नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी लाइफ पर। तो आज के इस फिल्मी टॉक्स के एपिसोड में हम आपको देंगे सारी लेटेस्ट फिल्मी न्यूज, जैसे कि भूल भुलैया 2 और अनेक मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और साथ में हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर मूवीज और नई OTT रिलीज और नई अनाउंस हुई मूवीज के बारे में भी देंगे आपको जानकारी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने फिल्मी टॉक्स के तीसरे एपिसोड को। दोस्तों, नंबर 1 पर खबर है अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के न्यू लॉन्च को लेकर, जहां दोस्तों करण जौहर ने अनाउंस कर दिया है कि वो इब्राहिम अली खान को अपनी नई मूवी से लॉन्च करेंगे। और ये मूवी एक साउथ की मूवी का रीमेक होने वाली है, जिसमें आपको मोहनलाल के बेटे मोहनलाल देखने को मिले थे। वहीं इस मूवी का नाम था हृदयम और ये एक स्टूडेंट की स्टोरी लाइन पर बेस्ड थी। फिलहाल इब्राहिम अली खान एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, वे भी करण जौहर की डायरेक्टेड मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। और करण जौहर आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसे कई सितारों को लॉन्च करने के बाद अब लॉन्च करने वाले हैं सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को। दोस्तों, इसी के बाद नंबर 2 पर अगली एक दुखद खबर है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला जो कि एक पंजाबी मशहूर सिंगर थे, उनकी हत्या कर दी गई है। वहीं दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला एक बेहतरीन सिंगर के साथ एक कांग्रेस के नेता भी थे और इनके ऊपर करीब 30 गोलियां चलाई गई हैं, जिसके बाद इनकी मौके पर मौत हो गई। और सिद्धू मूसेवाला की मौत के एक दिन पहले इनकी सिक्योरिटी भी हटाई गई थी और पुलिस इसकी अभी जाँच कर रही है। दोस्तों, इसी के बाद नंबर 3 पर अगली खबर है रणधीर हुड्डा की नई अनाउंस हुई मूवी को लेकर, जिसके लिए उन्होंने एक पोस्टर भी रिलीज किया है और उन्होंने बताया है कि वह इस मूवी में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों, वीर सावरकर की इस बायोपिक को डायरेक्ट करेंगे महेश मांजरेकर, जो कि इससे पहले सलमान खान की अंतिम मूवी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और रणधीर हुड्डा की यह मूवी अगले साल 2023 को रिलीज करी जाएगी। दोस्तों, इसी के बाद नंबर 4 पर अगली बड़ी खबर है कबीर सिंह के सीक्वल को लेकर। जी हां दोस्तों, कबीर सिंह के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और मुराद खैतानी ने इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी है और उन्होंने कहा है कि वह कबीर सिंह 2 लेकर आएंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि वह अपनी फ्रेंचाइजी भूल भुलैया 2 का तीसरा पार्ट यानी भूल भुलैया 3 और आशिकी का तीसरा पार्ट यानी कि आशिकी 3 भी लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, ये सारी मूवीज भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, वहीं इनका सीक्वल और पार्ट 3 भी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों, नंबर 5 पर अगली खबर में हम आपको बताएंगे OTT पर रिलीज होने वाली नई फिल्मों के बारे में और वेब सीरीज के बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे स्ट्रेंज थिंग्स सीजन 4 के बारे में, जो कि एक काफी सक्सेसफुल वेब सीरीज है। वहीं इसके सीजन 4 का 2 पार्टों में रिलीज किया जाना है और इसके पहले पार्ट को 27 मई को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1.5 घंटे की है। और इसी के बाद स्ट्रेंज थिंग सीजन 4 के दूसरे पार्ट को लगभग 5 हफ्ते बाद 1 जुलाई को रिलीज किया जा रहा है। मतलब 1 जुलाई 2022 तक आप स्ट्रेंज थिंग सीजन 4 के पूरे पार्ट्स का मजा ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा मिस्टर बीन यानी कि रोवन एटकिंसन की कॉमेडी सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है मैन वर्सेस बी और इसे 27 जून 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। वहीं दोस्तों, नंबर 6 पर इसके बाद अगली खबर है अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज को लेकर। दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से करणी सेना इसका नाम बदलने की मांग कर रही थी और फाइनली मेकर्स ने निर्णय लिया है कि वह अपनी मूवी का नाम बदल देंगे और इसका नाम अब पृथ्वीराज से बदलकर सम्राट पृथ्वीराज रख दिया गया है। वहीं अक्षय कुमार के लगभग 300 करोड़ के बजट में बनी सम्राट पृथ्वीराज को रिलीज किया जाना है 3 जून 2022 को और इसकी एडवांस बुकिंग भी ओपन कर दी गई है। दोस्तों, जहां एडवांस बुकिंग ओपन होने के बाद सम्राट पृथ्वीराज ने लगभग 90 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग 2 दिन में कर ली है और अभी 3 दिन इस फिल्म को रिलीज होने में और बाकी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मूवी लगभग 7 से 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर लेगी और लगभग पहले दिन यह 30 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। वहीं दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज की टक्कर होने वाली है साउथ की 2 बड़ी पैन इंडियन मूवीज से, जो की है कमल हसन की विक्रम और मेजर मूवी। दोस्तों, मेजर मूवी 26/11 के अटैक पर बेस्ड होगी, वहीं विक्रम भी एक काफी बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी है, तो ये टक्कर देखना भी काफी मजेदार रहेगा। और आप पृथ्वीराज, विक्रम और मेजर में से कौन सी मूवी थिएटर में देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। तो इसी के बाद अगली खबर है साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की मूवी बरोस को लेकर। दोस्तों, हाल ही में मोहनलाल की बरोस मूवी के कुछ फोटोज लीक हो गई है, जिसमें मोहनलाल एक काफी दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। वहीं बरोस मूवी मोहनलाल के डायरेक्टर डेब्यू मूवी भी होने वाली है और लगभग इंडस्ट्री में 30 साल तक काम करने के बाद मोहनलाल अपनी पहली मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें वह खुद भी एक्ट करेंगे। और इन लीक हुई पिक्चर्स को देखकर लग रहा है कि बरोस मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। दोस्तों, इसी के बाद आखिरी खबर है हमारी भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और हाल ही में रिलीज हुई अनेक मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं आयुष्मान खुराना की अनेक मूवी के बारे में। दोस्तों, अनेक मूवी को लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया है और इसे इंडिया में लगभग 1600 स्क्रीन पर भी रिलीज किया गया है। वहीं अनेक मूवी के रिव्यू ज्यादा अच्छे नहीं आए, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी कम रहा है।
जहां पहले दिन यानी कि ओपनिंग पर फिल्म ने केवल 2,11,00,000 रुपए की कमाई, दूसरे दिन 2,50,00,000 रुपए की कमाई और तीसरे दिन यानी कि संडे को 3,00,00,000 रुपए की कमाई की और अनेक मूवी में टोटल 3 दिन में लगभग 8,00,00,000 रुपए की कमाई की है, जो कि काफी कम है। दोस्तों अब इसी के बाद बताते हैं कार्तिक आर्यन की रिलीज हुई सुपरहिट मूवी भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों भूल भुलैया 2 को 60,00,00,000 रुपए के बजट में बनाया गया है, वहीं इस फिल्म ने अब 100,00,00,000 रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है। दोस्तों जहां भूल भुलैया ने पिछले 3 दिन यानी कि अपने दूसरे वीकेंड पे 30,64,00,000 रुपए की कमाई की है, जहां इस फिल्म ने शुक्रवार को 6,52,00,000 रुपए, शनिवार को 11,35,00,000 रुपए और रविवार यानी कि संडे को 12,77,00,000 रुपए की कमाई की। वहीं दोस्तों भूल भुलैया 2 ने टोटल इंडिया में 122,00,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। और अगर बात करें भूल भुलैया 2 के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इसने वर्ल्ड वाइड टोटल 150,00,00,000 रुपए के ऊपर की कमाई भी कर ली है। बाकी दोस्तों ये था एक हमारा फिल्मी टॉक्स का छोटा सा एपिसोड। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।